दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले गणपति उत्सव की धूम अब धीरे धीरे उत्तर भारत में भी अपना स्थान बनाती जा रही है। इसी प्रकार यमुनानगर में भी गणपति उत्सव को लेकर लोगों में भारी उत्साह का माहौल है। बाजारों में भी गणपति उत्सव के कारण खूब रौनक देखने को मिल रही है। जगह जगह गणपति जी की रंग बिरंगी मूर्तियां बनाई जा रही हैं और इस बार इन मूर्तियों में जो एक खास बात है कि ये मूर्तियां इस बार POP से नहीं बल्कि एक विशेष प्रकार की मिट्टी से बनाई जा रही हैं, जो कि चिकनाहट युक्त हैं और इन पर जो रंग किया जा रहा है वो रंग भी फ्लोरोसेंट है। इस रंग का इस्तेमाल पहले सिर्फ मुंबई के मूर्तिकार ही किया करते थे, परंतु अब यहाँ के मूर्तिकार भी इस रंग को इस्तेमाल करने लग गए हैं और इस रंग में रंगी गणपति महाराज की मूर्तियाँ लोगों को बहुत भा रही हैं। गणेश उत्सव लगभग 3 साल से मना रहे हैं और वैसे तो हम पहले बनाते नहीं थे, पर मेरे भाई के मन में इच्छा हुई कि हम गणेश जी आपके बार लेकर आएंगे तो हम उसके यही त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं। और जब ये उत्सव जब आता है तो हम गणेश जी मेरा भाई लेके जाता है और पंडित जी से ही हम स्थापित करवाते हैं पूरे विधि विधान से और हम बहुत उत्साह से ये महोत्सव मनाते हैं। मंदिर के पुजारी के अनुसार गणेश उत्सव भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि से मनाया जाता है और यह 11 दिनों तक चलने वाला पर्व है, जो विशेष रूप से समाज के सभी वर्गों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज सभी जाति व सभी बिरादरी के लोग एक साथ गणपति जी का विसर्जन करते हैं और गणपति बप्पा मौर्या का गुणगान करते हैं। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि से और 11 दिन चलने वाला जो पर्व है, ये विशेष रूप से समाज के एक दूसरे वर्ग को जोड़ने का विषय है। ये मात्र ये नहीं कि ओम श्री गणपति बप्पा मौर्या बोल के हम लोग रह जाते हैं, इसका बहुत बड़ा फायदा और बहुत बड़ा इसका मायने है। जैसे वैदिक कालखंड से भगवान गणेश जी का मूर्ति स्थापना और विसर्जन का कोई रिवाज नहीं है, कोई रीति नहीं है। कुछ कालखंड में समाज के वर्गों के अंदर एक दूसरे जाति के अंदर कुछ हिंसाएं फैल गई, छुआछूत की बीमारियां फैल गई, तो समाज के प्रति गंभीरवान व्यक्ति ने सोचा कि समाज के लिए मैं क्या करूं जिसे समाज एक दूसरे से प्रेम करे, मिले जुले, जहां से समाज में छुआछूत की बीमारी खत्म हो। लोग गणपति भगवान की मूर्तियों को अपने घर में लेकर जाते हैं और उसके बाद 11 दिन तक भगवान गणपति की नियम अनुसार पूजा अर्चना की जाती है और इसके बाद मूर्तियों को विसर्जन के लिए धूमधाम से बाजारों में से निकालते हुए नदी तक लेकर जाया जाता है और फिर विसर्जन कर दिया जाता है। यह मान्यता है कि ऐसा करने से गणपति भगवान हम पर कृपा करते हैं और सभी बिगड़े कार्य बन जाते हैं। हलचल TV के लिए यमुनानगर से विनोद धीमान की रिपोर्ट।